आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ सैंडविच चटनी। अक्सर जब हम बाज़ार में सैंडविच खाते हैं ना, वो तीखी तीखी चटनी के साथ, उसके बिना तो सैंडविच अधूरा ही है। इसे आज हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, जिसे आप चाट के साथ, भेल के साथ, पकौड़े के साथ, दही बड़े के साथ, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसे लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसके लिए एक मिक्सी का जार लेंगे हम, और उसमें डाल देंगे ये भुने हुए चने। ये 2 चम्मच भुने हुए चने हैं। इसकी जगह आप सेब, जो नमकीन सेब होते हैं ना, उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर बूंदी का भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मूंगफली दाना। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और चटनी गाढ़ी गाढ़ी भी बनती है। और इसके बाद डाल देंगे हम बहुत सारी, लगभग 8 से 10 कली लहसुन की, और साथ में जाएगा ये 2 हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च और भी बढ़ा सकते हैं इसमें, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और फिर इसमें जाएगा ये 1 नींबू का रस, और इसके बाद इसमें जाएगा बहुत सारी धनिया। इसके मैंने डंठल नहीं निकाले हैं, उसे अच्छे से धो लिया था। इसके बाद हम सारी चीज़ों को मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी हरी हरी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। मिनटों में ये सैंडविच की चटनी बन जाती है फ्रेंड। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, दही बड़े के साथ, भेल के साथ, किसी के भी साथ आप सर्व कर सकते हैं फ्रेंड, खा सकते हैं। और लंबे समय तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड कितना आसान है चटनी बनाना। फ्रेंड यदि आपको मेरी ये सैंडविच की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने यदि मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।